फ्रेंड, मैं आपका दोस्त जो कि पीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव बोल रहा चुका हूँ आपके लिए, जो कि एक भर्ती लेकर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कल रात आप आपकी जो कि उत्तराखंड में आप 14 मार्च है, तो देखिए आज ये 15 मार्च, तो कल का विज्ञापन जो कि आ गया है। बाकी ये भर्ती किस में आ रही है आपकी, तो UK SSC की ओर से उत्तराखंड समूह द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड के वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती आई। बाकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 जो कि 14 मार्च, बाकी 18 मार्च से आपके ऑनलाइन होंगे। बाकी आप संशोधन इसमें कर सकोगे तो आपका 12 से 14 अप्रैल तक। तो देखिए, उत्तराखंड UK SSC की ओर से कुल 200 पदों पर जो कि आवेदन आ चुके हैं, जो कि 8 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकेंगे। बाकी इसमें बताते हैं इसमें क्या क्या के रहने वाला है। तो पद नाम आपका स्केलर है, तो 200 पद हैं इसमें। बाकी इसमें वन विभाग के द्वारा ये भर्ती कराई जाती है। बाकी वेतनमान आपका 19,000 से 63,000। बाकी आयु सीमा देखिए एक बार, 18 से आपका 28 वर्ष। तो बाकी पद का स्वरूप आपका राजपत्र। बाकी इसमें क्या मांगा है तो ध्यान से देखिए, जो कि 12th पास वाले भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद उत्तराखंड राज्य स्थित अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका इंटरमीडिएट सम्यक आपकी परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आपको साइंस इसमें मांगा गया है, आपका PSM हो चाहे पी बायोलॉजी भी आपकी होगी तो ये आप फॉर्म आप भर सकोगे। PCB भी आओगे तो आप ये फॉर्म भर सकोगे। बाकी आपकी इसमें ऊंचाई भी मांगी गई है, पुरुष के लिए 1.63 सेंटीमीटर, महिला के लिए 1.50। बाकी सीना सिर्फ ये पुरुष के लिए आ रखा है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपके लिए ऊंचाई में आपकी छूट 1.52 सेंटीमीटर आपकी ली जाएगी पुरुष अभ्यर्थी की। महिला आप हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी 1.45 सेंटीमीटर ली जाएगी। तो हिल सर्टिफिकेट बना दीजिए पर्वतीय सर्टिफिकेट। हिल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि पर्वतीय, आपको इसमें जो कि ऊंचाई के मानक में छूट मिलती है 5 सेंटीमीटर की। तो चलिए जी, आप में फिजिकल क्या रहने वाला है इसमें, तो पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं के मामले में आपकी 14 किलोमीटर दौड़, 4 घंटे में 4 घंटे में। बाकी शॉट पुट है आपका, लंबी कूद भी है आपका और ऊंची कूद भी आप इसमें रखी गई है। तो देखिए, बढ़िया मौका है आपके पास। बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप शारीरिक परीक्षा में, तो इसका पहले फिजिकल होगा, फिजिकल इसका होगा। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अर्हता में छूट दी गई। तो देखिए, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी इसमें। बाकी आपके देखिए सामान्य विज्ञान से आपके 50% होंगे। सामान्य विज्ञान मतलब वो फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन, बाकी 50 जो क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके गणित के होंगे। तो चलिए जी, आपका 45% में बाकी ये अंक लाने आपके जरूरी है। बाकी देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है, तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रीय आरक्षण की बात की जाए, आप देखिए इसमें अंश फीस आपकी 300 रुपये ली जाएगी। बाकी बात की जाए आपका, आप सिलेबस पे चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो चलिए जी, ये सिलेबस देखो, सामान्य विज्ञान का आपका क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, Unit 1 में आपका सामान्य विज्ञान में आपका ये आपकी आने वाली है केमिस्ट्री, 50 50 अंकों में सामान्य विज्ञान में। इसमें ये आपका फिजिक्स आने वाली है, बाकी इसमें ये आपकी बायोलॉजी भी आने वाली है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए सामान्य, ये 50 50 नंबर के आपका गणित जो कि 50 अंकों की होगी इसमें। तो देखिए, इसमें देख सकते हो आप। बाकी दोस्तों, ये एक जानकारी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।